दोस्तों बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत जो अप्रेंटिस के लिए जो फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है। तो इसको फॉर्म को फिल करने के लिए इसमें डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगने वाला है, ठीक है। जब आप लोग फॉर्म भरेगा, ठीक है, तो उस वक्त आपको इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है इस वीडियो बताने वाले हैं। इसको जो स्टार्टिंग किया गया है फॉर्म भरने का 16 दिसंबर से स्टार्ट किया गया है। इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है 5 जनवरी 2024 तक इसको रहने वाला है। और यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, ठीक है। ये नोटिफिकेशन के माध्यम से भी देख सकते हैं आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। सारे यहाँ पर पोस्टों के नाम बताया गया, माने ट्रेड अप्रेंटिस फिटर हो गया, ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रीशियन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के भी दिया गया है, अगर आप लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के भी दिया गया है, ठीक है। फ्रेशर के लिए, फ्रेशर के लिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो अपना अकाउंटिंग देख लेंगे अप्लाई करने से पहले। हम बात करेंगे डायरेक्टली यहाँ पर कि आप इसमें डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला सेशन होगा, देखिए इस तरह से आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए आपको पेज खुलेगा। और यहाँ पे आपको सबसे पहले जो इसको साइज जो मांगा गया है फाइल को अपलोड करने के लिए साइज बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा गया है कि अपलोड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मेट जो बताया कि जेपीजी जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट है ओनली अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पीडीएफ फाइल में नहीं मांगा गया है, आप जेपीजी में कर सकते हैं, जेपीईजी में कर सकते हैं या पीएनजी फाइल में अपलोड कर सकते हैं। इसका जो फाइल साइज मांगा गया है फोटो एंड सिग्नेचर का 50 KB अदर बिटवीन, ठीक है, यानी 100 KB से लेकर 200 KB तक। ये आपको जो फोटो सिग्नेचर आपको 50 KB तक अपलोड करना है, ठीक है। और अदर जो डॉक्यूमेंट करना है 100 KB से लेकर 200 KB के यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको फोटो यहाँ पे अपलोड करना होगा, उसके बाद आपका सिग्नेचर मांगा गया है, उसके बाद आपका आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड करना होगा, उसके बाद आपका पैन कार्ड यहाँ पर अपलोड करना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर सभी लोग कमेंट करते हैं कि पैन कार्ड मेरा नहीं है, तो यहाँ पर देखिए पैन कार्ड आपको देना अनिवार्य है, ठीक है। नीचे आएंगे कैंसिल चेक या पासबुक यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद आपका NAPS सर्टिफिकेट या प्रोफाइल पेज स्क्रीनशॉट, ठीक है। आप यहाँ पर NAPS पे NAPS पोर्टल पे जाके जो आप रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं उसके यहाँ पर प्रोफाइल का आपको स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद का 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद का ITI का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। यही सभी आपको डॉक्यूमेंट लगने वाला है, ठीक। फॉर्म भरिएगा तो जैसा कि देखिए आप लोग को बता दें कि आपको जो है डॉक्यूमेंट इसमें क्या क्या लगने वाला है, जो ये सभी आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में बताएं और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।